पकड़ पकड़, ये डाल दे इसमें। जे जे कहाँ से आया? अरे वो अपना प्रिंसिपल साहब है ना, तो उनके घर का काम चल रहा है, तो ऐसे ही थोड़ा देखरेख का काम मिल गया है। घर के देखरेख के काम में इतने तो छाले ना पड़ सके हैं, के काम पकड़ रखा? क्या क्या बात है, तू बहुत बहुत सवाल पूछने लग गई है, हैं? क्या हो गया? वो उसको ना कुछ ना हुआ, वो इंजन है ना, वो उनका स्कूटर का इंजन, वो गर्म था तो ऐसे ही हाथ जल गया थोड़ा, तो जल जाता है ना, क्या हो गया? कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ। यशपाल भाई, तू क्यों करे ऐसा भाई? क्यों अपने शरीर से खिलवाड़ कर रहे है भाई? हैं? देख, नींद तो ना जिद्दी होवे, और फिर ये मशीन की तरह काम करेगा ना, तो इस शरीर ने जवाब दे देना है। अरे जवाब तो मारी बेटियों की किस्मत ने देना है मन्ने, कि कब तक अकड़ के रहेगी। मारी बेटी ने सामान छूना है तो उसके पंखों को ताकत तो उसके बाप को ही देनी पड़ेगी। भगवान का शुक्र है बच गया, अभी टूट जाता। पाल, राम राम। राम 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 राम। सुन, संक्रांत पर कोई काम नहीं करेगा, और जे अगर तू काम पे आया तो तन्ने में 200 रुपए की जगह 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए? जरूर आऊंगा जी मैं। अरे वाह, ऐसे तुम्हारे पास दक्षिणा के बाद मिठाई के लिए भी पैसे बच जाएंगे। लाख लाख शुक्र भगवान जी। पाविना, ये तो रख गई सुई धागे का डब्बा, ना ये बोड़नी में गोटा किससे लगाऊं? भाभी से ले लेती हूँ, यो ठीक से। भाभी भाभी, यो कित छू होगी इस टाइम? पंडित जी के दक्षिणा से इसे मत ले छोटे। हाय हाय, मारे से तो ऐसे छिपा रही से भाभी, जैसे मैं नजरों नजरों में ही हड़प लूंगी। वैसे हड़प भी लूं तो के माल तो मारा ही है, दे तो मारी पति ने रखे। वो पैसे तो सबके चोरी हो गए से, ये तो लड़की मेहनत की कमाई से, ये रोज ड्यूटी के बाद नहर के पार वाली ईंट की भट्टी में जावे से। इनके हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में सूजन आ गई से, जाने कितनी रातें आँख खोल के बिताई है दुर्गा के बाबा ने। वो पैसे तो कब के चोरी हो गए से, ये तो लड़की मेहनत की कमाई से, ये रोज ड्यूटी के बाद नहर के पार वाली ईंट की भट्टी में जावे से। तो इनकी मेहनत की पूरी पूरी मेहनत की पैसे हैं, इनके हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में सूजन आ गई है। कैसे दौरा पड़ गया अचानक,
इतने सालों से तो बच रखी थी, ऐसे क्या बात होगी कि कुछ कुछ ज्यादा चिंता माथे पे लगती है क्या? जी, वो गलती मारी से वो सिला ते पैसों की बात निकली और मारे मुंह से निकल गया कि आप पैसों के जुगाड़ के वास्ते पट्टी पे काम करना शुरू करते हो और ये बात मोरी ने सुन ली। तन्ने किसने बताई कि मैं भट्टी पे? किसने बताई तन्ने ये बात? आपके हाथों के छालों ने। मैं पढ़ी लिखी ना हूँ पर हाथों के सेकंड को देख के जे मैं बता सकूं कि भट्टी के छाले और चूल्हे के छाले में क्या फर्क हो। वैसे आपको क्या लगा कि आप मारे से जे बोलोगे कि रेडिएटर चूने से आपके हाथों का जे हाल हुआ? बात मैं मान लूंगी। अरे क्या हो गया, क्या हो गया हमारे हाथों को? सब ठीक तो है, और फिर आज ही आज भर की बात है, हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी तो फिर थोड़ा ना जाऊंगा मैं भट्टी पे, कुछ ना होगा, बेकार में रह जा रही है। अरे हाँ भाभी, अरे सब ठीक से, मैं देख करके आ रहा हूँ छोरी ने। अरे चिंता की बात ना से, सब ठीक से। पर ब्रिजपाट सांझ में दुलारी ऋषि और पंडित जी और आ रहे से, छोरी ने खड़ा तो कर सकेंगे उनके सामने? हाँ अम्मा। अरे ना ना मम्मा, मैं सब कुछ बता दूंगा साफ साफ उनको कि हमारी अमृता को बचपन में ऐसा कुछ हुआ था, अब बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है, बता देते। अरे पर भाई साहब, अरे भाई रिश्ता बनाना, धोखा दे के रिश्ता बनाना, कोई रिश्ता बनाना थोड़ी ना हुआ, खोखला करना हुआ। पर लेकिन तुम तो थोड़ी तो दिमाग से एक बात तो सोच, कल को हमारी बेटी ने उनके घर में जाना है, कल को फिर कुछ ऐसा हो गया तो दुख तो हमारी बेटी को उठाने पड़ेंगे ना। हैं, मैं तो सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। बड़ा हो गया के? क्यों बड़ी बड़ाई बात ने बिगाड़ने की सोच ऐसे? तू अपने सच्चे मन ने ताला लगा दे कुछ दिन, अच्छा उन्हें पता चल गया तो मिनट ना लगाएंगे रिश्ता तोड़ने में। पर अब्बा तू ये तो सोच, ये झूठ बोलना मतलब कितना। मैं जानू सू ऐसी बीमारियां ब्याह के बाद अपने आप ठीक हो जावे से, अब देख बड़ी मुश्किल से ऐसा चोखा रिश्ता सामने आया से, अपने हाथों ना उजाड़। इतने वक्त बाद आज दौरा पड़ गया, जरूरी तो ना आगे भी पड़ेगा है? हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख, राम जी सब भली करेंगे। हाँ हाँ भाई साहब, अम्मा सही कह रही से, चिंता की कोई बात ना से है? अरे बे तो संक्रांति की खुशियां मनाने का दिन से, अरे वो सब में आप सब यो ही भूल गए। मैसेज आया, हेलो अम्मा सुन, मीठे गुड़ में मिल गए तिल, हर पल हर दिन सुख और शांति, और आपको और आपके घर परिवार को हैप्पी मकर संक्रांति। अरे भाई साहब भूल ही गए इन सब चीजों में, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई भाई साहब। अम्मा संक्रांति की बधाई हो, अम्मा संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, अम्मा बहुत बहुत बधाई, खुश रहो। अरे भाभी संक्रांति की बधाई। जी जी क्या हुआ, इतनी गमसम क्यों लग रही सो? तबीयत ठीक ना से के? हाँ तो ऐसा कुछ ना से, ये मेरी चंपक डॉक्टर नहीं, तुम्हारी चिंता छोड़ और अपनी पढ़ाई कर, खूब मन लगा के पढ़ना से ना तन्ने। देख मैं तो बाबा का सपना पूरा ना कर सकी, पर तन्ने तो करना है अच्छे नंबर लाके। जी जी आप कभी क्यों ना पढ़ी? मैंने तो कभी आपको स्कूल जाते ना देखा, क्या तो आपको भी हमारी तरह नंबर इधर उधर भागते चढ़ाते दिखते थे क्या? अब तन्ने के बताऊं दुर्गा, जब मैं छोटी थी तो सकुर जाते टेमे का जीप सा आदमी हमारा रोज पीछा करता था, एक दिन मैं डर के मारे बेहोश हो गई। मैं स्कूल ना जाऊंगी, मैंने मैंने डर लागे है। वो ना बचपन में हमारी बहुत तबीयत खराब रहती थी, हर तीसरे दिन छुट्टी, इसलिए ना बाद में मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। लेकिन तू तो एकदम हट्टी कट्टी से, तो खूब जम के पढ़ना और बाबा को ढेर सारी खुशियां देना। कितना तो पढ़ती सू, पर ये अलजेब्रा पता नहीं कहां गायब हो जाता से, पकड़ने की कोशिश करती हूँ तो चिढ़ा के भाग जाता से। सोच ले तन्ने, अब बाबा के साथ बरवारा रहना से या फिर बुआ के यहाँ बिवानी जाना से? ना ना
इसलिए तो मैंने अपने दोस्तों को भी बोल दिया कि मैं संक्रांति पर सिर्फ पढ़ूंगी, कोई पतंग ना उड़ाऊंगी। बाबा से वादा भी किया है, एक कोने में बस दुबक के पढ़ती ही रहूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।